जश्न आजादी के इस वक्त दिल्ली छावनी में तब्दील हो चुकी है। जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी हो रही है। लाल किले के करीब 10 किलोमीटर रेडियस में ऐसा सुरक्षा घेरा बनाया गया जिसे भेदना किसी के बस का नहीं। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर क्या तैयारियां हैं, एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दिल्ली इस वक्त अभेद्य किले में तब्दील हो चुकी है। सुरक्षा ऐसी अचूक कि कोई परिंदा भी पर न मार सके। जमीन से आसमान तक निगरानी की जा रही है। लाल किले के करीब 10 किलोमीटर रेडियस में ऐसा सुरक्षा घेरा बनाया गया है जिसे भेदना किसी के बस की बात नहीं। हर बार की तरह एलोबरेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट लगाए जा रहे हैं। इसमें करीब 20-22 हजार गेस्ट्स होते हैं जो देखने आते हैं। सुरक्षा इंतज़ाम दो तरीके के होते हैं। एक तो कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट ना हो, कोई सिक्योरिटी लैप्स ना हो, उसके लिए पूरा इंतज़ाम लगाया जाता है। दूसरा, जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं देखने के लिए, वो प्रॉपरली आ सके, वो आराम से आ सके, उनका फैसिलिटेशन हो, उसके लिए भी इंतज़ाम लगाए जा रहे हैं। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण करेंगे। इस बार का जश्न खास है और यही वजह है कि इस बार सुरक्षा भी बेहद कड़ी की गई है। लाल किले पर 7 लेयर सुरक्षा घेरा, एनएसजी, एसपीजी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ के जवान तैनात, स्नाइपर, स्वैट और कमांडो ने संभाला मोर्चा, 10,000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के जवान तैनात, एआई टेक्नोलॉजी वाला फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, ड्रोन और हाईटेक सीसीटीवी से मॉनिटरिंग, एंटी ड्रोन और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को तैनात किया गया है जिससे लाल किले की सुरक्षा में कोई सेंध लगाने की सोच भी ना सके। एंटी टेरर डिप्लॉयमेंट हर समय लगता है एंड बहुत ही इलाबोरेट एंटी टेरर डिप्लॉयमेंट लगाया जाता है। मैं डिटेल्स शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में नहीं होती हैं, बट काफ़ी इलाबोरेट एंटी टेरर मल्टी लेयर्ड डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है और मल्टी एजेंसी डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। तो सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं, बहुत सारी एजेंसीज हैं जो इन्वॉल्व रहेंगी जिनके एंटी टेरर कंपोनेंट्स को डिप्लॉय किया जा। लाल किले की निगहवानी में 300 हाई रिजोल्यूशन कैमरे फिट किए गए हैं। इनमें सबसे खास फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है। कोई भी संदिग्ध आए तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को मिल जाएगी। इसके अलावा सादी वर्दी में भी पुलिसकर्मी लाल किले के अंदर और बाहर तैनात किए गए हैं। नंबर बढ़ा दिया गया है, एरियाज बढ़ा दिए गए हैं। कुछ एरियाज सिर्फ लाल किला ही नहीं, आसपास के इलाके भी को भी कवर किया गया है। और ना सिर्फ कवर किया गया है, उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही है, उन पे एनालिटिक्स यूज़ की जा रही है ताकि जो ह्यूमन फैक्टर है वो अगर कोई चूक हो जाए तो मशीन भी हमें बता सके कि कुछ सिक्योरिटी लैप्स है कि नहीं। लाल किले के 10 किलोमीटर रेडियस में करीब 3200 सुरक्षा पॉइंट बनाए गए हैं जहां से स्पेशल कमांडो दस्ते संदिग्धों पर पैनी नजर रख रहे हैं। इसके अलावा हेलीकॉप्टर पर अत्याधुनिक हथियारों से लैस कमांडो टीम आसमान से सुरक्षा की कमान संभालेगी। लाल किले के बाहर से जो यहाँ पर बैरिकेड से आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पुलिस बल खड़े हुए हैं। पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने स्पेशली ये पूरे अरेंजमेंट्स को रखा है ताकि किसी भी तरह से कोई भी परिंदा पर ना मार सके। लाल किले के ठीक सामने आपको इंडियन फ्लैग दिखाई देगा, केसरिया सफ़ेद और हरा रंग का। बड़ा सा आपको यहाँ पर गेट के ठीक सामने जो पूरा पंडाल नज़र आ रहा है, ये पंडाल इस बार रंग बिरंगे, उसके ऊपर ठीक झालर लगाए गए हैं, फ्लैग लगाए गए हैं और उसके ठीक नीचे बैठने के इंतजाम होंगे, सिटिंग अरेंजमेंट्स होंगे। ड्रोन, बैलून, ग्लाइडर उड़ाने पर रोक, 300 ऊंची इमारतों पर एयर डिफेंस गन तैनात। सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली में लाल किले के आसपास ड्रोन, बैलून, ग्लाइडर जैसी उड़ने वाली चीजों पर बैन लगा दिया गया है। इसके अलावा लाल किला, ISBT, गीता कॉलोनी फ्लाईओवर, सिविक सेंटर जैसे 300 से अधिक ऊंची इमारतों की छतों पर एंटी एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस गन लगाए गए हैं। फेस रिकॉग्निशन कैमरे जो लगाए गए हैं ठीक वहां पर आपको दिखाई देंगे। वो जो कैमरे आपको दिखाई दे रहे हैं वो कंट्रोल रूम से अटैच है, कंट्रोल रूम बनाया गया है। वहां पर CCTV कैमरा जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी CCTV कैमरा की मॉनिटरिंग हो रही है। फेस रिकॉग्निशन कैमरा स्पेसिफिक इसलिए होता है क्योंकि
किसी भी आतंकी या फिर संदिग्ध की फोटोग्राफ वो कैच करता है और सेकंड में ही वो कंट्रोल रूम के लोगों को सूचित कर देगा जो अधिकारी पुलिस बल होगा। खास राइफल के साथ तैनात होंगे स्नाइपर्स, 800 मीटर दूर तक दुश्मन को कर सकता है ढेर। कमांडो हाई रेजोल्यूशन वाली दूरबीन से ऊंचाइयों से हर शख्स पर नजर रखेंगे। स्पेशल सेल की सर्विलांस टीम पूरी तरह से अलर्ट पर है। सेल कॉल इंटरसेप्शन के जरिए देश के बाहर खास तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाली हर कॉल पर नजर रख रही है। लाल किला के करीब 10 किलोमीटर की रेडियस में जगह जगह LMG और MP5 जैसे आधुनिक हथियारों से लैस पैरा मिलिट्री के जवान दिन रात चौकसी कर रहे हैं। इसके अलावा खास राइफल के साथ स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं जो 800 मीटर दूर छिपे हमलावर का राम नाम सत्य कर सकता है। 15 अगस्त के दिन तकरीबन 20 से 22,000 मेहमानों की आवाजाही रहेगी और इन्हीं मेटल डिटेक्टर के सामने से वो लोग गुजरेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। उसके अलावा SSB के जवानों की भी तैनाती यहाँ पर की गई है। किसी भी तरीके से कोई गतिविधि को अंजाम ना दे सके इसके लिए हर मेटल डिटेक्टर के ऊपर यहाँ पर CCTV कैमरा लगाए गए हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे एक के बाद एक हर मेटल डिटेक्टर से जितने भी मेहमानों की आवाजाही होगी उन्हें CCTV कैमरे से भी गुजरना होगा। लाल किले की सुरक्षा में लंगूर मैन। इस बार खास तौर पर लाल किले की सुरक्षा में लंगूर मैन को तैनात किया गया है। दरअसल पिछले साल फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान डमी प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान एक बंदर के आ जाने से सुरक्षा कर्मियों के होश उड़ गए थे। इससे सभी एजेंसियों के सुरक्षा तैयारियों की जांच भी की गई थी। उसे देखते हुए बंदरों को भगाने के लिए इस बार लंगूर मैन भी बंदोबस्त किया गया है जिसके खास आवाज से लंगूर भाग खड़े होते हैं। स्वदेशी तोप से 21 तोपों की सलामी। इस बार स्वदेशी इंडियन फील्ड गन से लाल किले पर 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। 52 सेकंड में 21 राउंड फायर किए जाएंगे। ये देश की पहली स्वदेशी फील्ड गन है जिसकी दहाड़ दुश्मनों की तबाही के लिए काफी है। जिस जगह से ये तोप गोले दागेगी वहां से 17 किलोमीटर दूर दुश्मन का ठिकाना नेस्तनाबूत हो सकता है। पूरे 17 किलोमीटर रेंज वाली ये देश की राजधानी दिल्ली में दहाड़ रही है और जश्न आजादी की शान बढ़ाने को पूरी तरह से तैयार है। और लाल किला के अंदर जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जैसे ही झंडा तोलन किया जाता है उसके बाद दी जाती है 21 तोपों की सलामी। और 21 तोपों की सलामी देने के लिए देखा जा सकता है इंडिया के द्वारा दिल्ली के साथ साथ पूरे देश में जश्न आजादी की तैयारी चल रही है। जम्मू कश्मीर के लाल चौक से लेकर लाल किले तक सुरक्षा चाक चौबंद की जा रही है। सोमवार शाम से ही लाल किले की सुरक्षा व्यवस्था SPG को सौंप दी गई है जिसके बाद लाल किले में लोगों की एंट्री बंद हो चुकी है। अब लाल किला 17 अगस्त को दर्शकों के लिए खोला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण करेंगे और जश्न आजादी में शामिल होने के लिए खास मेहमानों की लिस्ट भी तैयार हो गई है। पीएम मोदी के ज्ञान फॉर्मूले पर करीब 4,000 खास मेहमानों को न्योता भेजा गया जिसमें ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी भी शामिल हो सकते हैं। अठहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस बार प्रधानमंत्री लगातार 11वीं बार राजधानी दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। ऐसा करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद देश के दूसरे प्रधानमंत्री होंगे। ज्ञान फॉर्मूले पर मेहमानों की लिस्ट। इस स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी के खास मेहमान लाल किले पर आएंगे। दरअसल इस बार ज्ञान फॉर्मूले पर गेस्ट की लिस्ट को तैयार किया गया है, यानी गरीब, युवा, किसान और महिला। जानकारी के मुताबिक इन चार वर्गों के करीब 4,000 मेहमानों को स्वतंत्रता दिवस समारोह का न्योता दिया गया है।
ओलंपिक खिलाड़ी हो सकते हैं मेहमान। पीएम मोदी के खास मेहमानों को 11 श्रेणियों में बांटा गया है। सभी को बुलाने की जिम्मेदारी कृषि और किसान कल्याण, युवा मामले, महिला और बाल विकास मंत्रालयों को दी गई है। इसके अलावा पंचायती राज और ग्रामीण विकास, आदिवासी मामले, शिक्षा और रक्षा मंत्रालय ने भी मेहमानों की सूची तैयार की है। साथ ही साथ नीति आयोग भी मेहमानों को बुला रहा है। वहीं ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले सभी भारतीय खिलाड़ियों को भी आमंत्रित किया जा सकता है। दरअसल पेरिस ओलंपिक में 117 भारतीय एथलीटों के दल ने ओलंपिक 2024 में हिस्सा लिया था। भारतीय खिलाड़ियों ने 6 पदक जीते, जिसमें भारतीय हॉकी टीम, नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, स्वप्निल कुसाले, अमन सेहरावत ने देश को मेडल दिलाया।